सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग, संविधान की कसम खाने वाले लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो संविधान का जो मूल विचार है उस पर अपने आप खड़ा घात होता है। लेकिन यथा जलवायु ताकते भारतीय संविधान की कसम तो खाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने के बाद संविधान के निर्देशों के विपरीत हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो संविधान के आसन के विरुद्ध है। इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंची भेदभाव देश के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। यहां के कुछ पोंगापंथी व्यवस्था को मानने वाले लोग अपने अस्तित्व और वजूद को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए वर्ण और जातियों का गठन किया। और जब वर्ण और जातियों का गठन हुआ, जिस दिन वर्ण और जात का गठन हुआ उसी दिन से शोषण की शुरुआत हुई। जो इनका चातुर्वर्ण है, यद्यपि भारतीय संविधान लागू होने के बाद पूर्व की सारी व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाती, लेकिन यथाशिवादी शासकों ने भारतीय संविधान लागू रहने के बाद भी पूर्व की व्यवस्था को अभी तक जिंदा बनाए रखे हैं। आप जानते हैं यथाशिवादी शासक आज भी भारतीय संविधान के निर्देशों के अनुरूप नहीं चलते। भारतीय संविधान हम सबके लिए आदर्श है, हमारे लिए महाग्रंथ है, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, हमारे लिए राष्ट्र धर्म है। लेकिन यथा जलवायु ताकते भारतीय संविधान की कसम तो खाएंगे, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठने के बाद संविधान के निर्देशों के विपरीत हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो संविधान के आसन के विरुद्ध है। जब हमारा भारतीय संविधान इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है कि संविधान की नजर में हम सभी समान हैं, यहां तक कि अनुच्छेद 15 में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, जात, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद आज यथास्थिति ताकते अपनी पूर्व की व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर थोपना चाहती। आज कारीगर हो, किसान हो, मजदूर हो, ये कौन होता है,
सिद्धांतों ने मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है, सूत्रम तु कार्यम भाष्यम, सूत्रम तु कार्यम भाष्यम कीतम अप्रीतम हुआ दास्य तो जमना ब्राह्मण तू स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयं हुआ है और सूत्र का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो सेवा करे, बुलाने करे, क्या है मुफ्त में मेदारी करे और क्या है कुछ पैसा लेकर करे, यानी कुछ मजदूरी लेकर करे। यद्यपि भारतीय संविधान ने तो भेदभाव खत्म किया लेकिन व्यवहारिक जीवन में गांव में आज भी यही व्यवहार किया जाता है। जो मनुष्य का उपयोग यह दिया गया है कि सूत्रम तु कार्येत दास्य, यानी चौकाई करनी है, गुलामी करनी है, पीतम अग्नितम हुआ पैसा लेकर करे या बिना पैसा के करे। ब्राह्मण स्वयंभू है यानी अपने आप पता हुआ है। ये मनुष्य यथा की बाकी लोगों की सोच है, अब वो सोच आज भी दिखता है। इसीलिए संविधान की तटस्थ खाकर के संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाले लोग अपने पूर्व के विचार को लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग, संविधान की कसम खाने वाले लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो संविधान का जो मूल विचार है उस पर अपने आप आराधात होता है। जब हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है तो हिंदू राष्ट्र कहां? क्योंकि इस देश में तो हम लोग नारा लगाते रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यानी जब सभी भाई हैं तो हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया? और इस प्रकार का नारा लगाने वाले लोग संविधान के भी दुश्मन हैं, देश के भी दुश्मन हैं। और ये कह लीजिए इस प्रकार का नारा लगाने वाले लोग देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। और यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कौन सा हिंदू राष्ट्र क्या देश के आदिवासी दलित पिछड़ा क्या ये हिंदू है? अगर हिंदू है तो इसको सम्मान क्यों नहीं? इसको बराबरी का दर्जा क्यों नहीं? हम सारे साल से यथार्थवादी ताकतों ने इस बड़े समूह को सूत्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया। भारतीय संविधान निर्माता प्रभुपति भाषा डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के माध्यम से जब इनको घर घर में शिक्षा सम्मान का अवकाश दिया, इनके सम्मान और सहमान को ऊंचा करने का रास्ता प्रशस्त किया, तो आखिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) को 16(4) और 15(4) को के अंतर्गत दिए गए सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण किया गया है आखिर उसका कत्लेआम क्यों? एक और तो संविधान की कसम लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे
संविधान की कसम लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और वहीं पर संविधान के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है तो उसका कत्लेआम करेंगे। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 पद प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर रीडर के पदों पर नियुक्ति हुई। 117 में से 71 केवल एक विभागी था, वो विभागी जिसने मुख्यमंत्री को बड़ा घमंड है कि हम खड़ा जात में पैदा हुए, केवल एक विभागी। 117 में कुल 6 आरक्षित पद और 6 आरक्षित पद में उसी में शेड्यूल कास्ट भी है, उसी 6 में शेड्यूल ट्राइब्स भी है, उसी 6 में बैंकुड भी है, उसी 6 में अल्पसंख्यक भी है। यानी अल्पसंख्यक का जो बैठक में आरक्षित श्रेणी में आते हैं वो भी उसी में है। यानी 6 पद 117 में 6 पद और शेड्यूल कास्ट ग्रुप ट्राइब बैंकुड और माइनॉरिटी सब देश सब ऊपर वाले टकाल ले गए। क्या यही भारतीय संविधान की मंशा? अभी 15 दिन पहले आईआईटी डीएसयू में पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों पर दाखिला होना था, 8 बच्चे सेलेक्ट हुए। इतिहास के उन 8 बच्चों में एक बैकवर्ड क्लास का लड़का था प्रजापति, उसको रिजेक्ट कर दिया, शेरदार दूसरी जात के लड़कों का दाखिला ले लिया। आखिर भारतीय संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले योगी के इस प्रदेश में भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण का हो रहा है। अरे डूबे बहरे अंधे बनकर के तमाशा देख रहे हैं। हिंदू कहने में हिंदू शर्म नहीं आती है, हिंदू राष्ट्रीय बात का किस बात का हिंदू राष्ट्र? क्या तुमको बैकवर्ड हिंदू नहीं दिखाई पड़ता? वोट देने के लिए तुम बैकवर्ड को हिंदू मानते हो, वोट देने के लिए तुम शेड्यूल कास्ट को हिंदू मानते हो, वोट देने के लिए शेड्यूल टाइप को हिंदू मानते हो। और जब उसको सत्ता शासन में भागीदारी आरक्षण का अधिकार दिलाने की बात सम्मान और स्वाभिमान दिलाने की बात आती है तो उसकी परछाई से परहेज करते हैं।